श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जितनी समस्या है जीवन की, वो सभी की सभी समस्या गलत विचारधारा की है। अपने विचारों को सुधारो तो सब बदल जाता है। अभी हमारे विचार कैसे हैं कि ये जगत सत्य है, मैं देह हूँ, यहाँ की लाभ हानि यही जीवन का लक्ष्य है, यहाँ के रिश्ते नाते वही सत्य है। जब तक के इस कूड़े कचरे को लेकर के, मेरी तो नहीं आवाज आ रही है, बाहर है, तो मैं सोचा कि मेरी पूर्जी हिल रही होगी, कर आवाज आ रही। तो जब तक हम इसको सत्य मानेंगे तब तक के हम बहिर्मुखी होकर के रहेंगे और जीवन का लक्ष्य एक ही होगा, जैसे आज है, अपने इच्छाओं को पूरा करना। हमारे लिए भगवान शंकराचार्य ने हमारी सबकी जीवनी लिख के रखी है। क्या है हमारी जीवनी? बालस्तावत क्रीड़ा सक्ता, तरुणस्तावत तरुणी रक्ता, वृद्धस्तावत चिंता सकता, परमे ब्रह्मणि कोपि न रक्ता, भज गोविंदम भज गोविंदम। पूरा जीवन इसी में जा रहा है। और इससे हम उपरत क्यों नहीं होते? क्योंकि हम अपने जीवन के अनुभूतियों से सीखते नहीं, और दुनिया में कोई किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता, ये बात पक्की पकड़ लो। देखो अच्छा लगता है डिजाइन इन विषय में खड़े इन लोगों के है कि काम करने वाले कि बाहर के है, फिर स्वीकृत है। तो फिर हमारा पूरा जीवन जाता है। जब तक के जवानी है, दौड़ा भागे तब तक ठीक है, लेकिन फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि हमको अपनों से ही धक्के मिलने शुरू हो जाते हैं, फिर भी हम सीखते नहीं। सीखना यही है, दुश्मनों से निपटना कोई कठिन नहीं होता, जब अपने ही दुश्मन बन करके रहते हैं तब जा करके हमारी आंखें खुलने लग जाती है। देखो, और फिर चलो आनंद रिट्रीट में जाते हैं। तो जिनको ये बात समझ में नहीं आती
उनको कहते हैं इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेय वेदयंती प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वा इमं लोकम हीनतरम वा विशंति। तो उनके लिए साधना रिलीजन क्या है, बस अच्छे कर्म करो, दान धर्म करो, फिर स्वर्ग में चले जाओ और फिर वहां से धक्के मार के फिर यहाँ आ जाओ। यही चलते रहता है जीवन। और इसीलिए इसके इसकी बात जिसके दिमाग में आ जाती है कि ये दिस कैनॉट बी लाइफ, तो फिर तपश्रद्धे यही उपवसंती अरण्य। फिर दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कि जिनको ये जगत के आकर्षणों में आकर्षण नहीं रहता, फिर वो अपने जीवन में साधारण व्यक्तियों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। तो फिर तपश्रद्धे ये उपवसंती अरण्य, ध्यान से सुनना, यहां भगवान की कृपा ईश्वर का अनुग्रह होता है। हमारे जीवन में ईश्वर के अनुग्रह से ही साधु संत और सत्संग आ जाते हैं। अपने प्रयत्न से ना तो सत्संग आता है ना तो साधु संत आते हैं। ईश्वरानुग्रहात एव तुमसाम अद्वैत वासना। और फिर हम ये सत्संग इत्यादि में आने लग गए, तब वहां भी दो प्रकार के सत्संग है। एक प्रकार का सत्संग है भागवत कथा फॉर फंड रेजिंग, भागवत कथा भगवान के लिए नहीं, फंड रेजिंग। देखो फिर वहां जाकर के धक्के खाएंगे, यार मजा नहीं आया, तो फिर शॉपिंग के लिए निकलते हैं। और फिर ऐसे अरण्य सेक्लूडेड प्लेस में चले गए और वहां देखे है कि कोई बाबा जी है, शांत है, प्रसन्न है, उनके संपर्क में जाते ही मन प्रसन्न हो जाता है। देखो त्रिपुरा रहस्य की बात है, उसमें हमारे परशुराम जी महाराज जब उनका पराभव हो गया भगवान राम के द्वारा, तो फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेट होने के बाद चले गए जंगल में, पहाड़ों में। तो जितने भी पहाड़ों में जाने वाले हैं वो ऐसे ही होते। तो वहां गए, एक महात्मा से मिले, जैसे उनके संपर्क में गए एकदम शांत प्रसन्न। आहा, बोले ये मैं क्या अनुभव कर रहा हूं, बोले ये तो ब्रह्मानंद है महाराज, मुझे सिखाओ। बोले ये क्या सिखाना, ये ऐसे ही होता है, करना क्या उसमें। तो उन्होंने सोचा ये बाबा जी इंटेलिजेंट नहीं है, मैं तो इंटेलिजेंट हूं। तो बोले मुझे सिखाओ आप। बोले देखो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमको इंटेलिजेंट बाबा जी चाहिए, मैं तो अज्ञानी हूं, गांव का हूं, चोरा गंगा किनारे वाला, अब मैं क्या बताऊं आपको। फिर आप वहां चले जाओ, दत्तात्रेय भगवान बहुत ज्ञानी है, वो तुमको सिखाएंगे। फिर परशुराम जी चले जाते हैं दत्तात्रेय भगवान के पास और कहते हैं देखो मैं उनके पास गया था, अच्छा लगा, लेकिन वो सिखा नहीं सके मुझे। ऐसे थोड़ी होता बताने के बाद, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना कोई उपलब्धि के लिए। तो दत्तात्रेय भगवान ने समझ लिया, बकरा मिल गया। बिल्कुल ठीक कहते हो, ब्रह्मानंद ऐसे थोड़ी मिलता है, तपस्या करनी है, उपासना करनी है, मेहनत करनी है, अच्छे कर्म करने हैं। हाँ, इस महात्मा को सब आता है। फिर एक पत्थर उठा के दे दिया, ये त्रिपुरा देवी है और इसकी ऐसी उपासना करो, दुनिया भर के नियम, जितने ज्यादा नियम कॉम्प्लिकेटेड उतना व्यक्ति ज्यादा विश्वास रखता है। और उसके पश्चात वहां जाओ, बढ़िया आसन पर उनको रखो और तुम जमीन पे सोना, उनको बढ़िया अच्छा भोग लगाना, तुम घास पत्ती खाना, तुमको उसको देवी को एक जगह शांत रखना, तुम चक्कर काटते रहना।
करते रहो। कब तक के? जब तक के देवी तुम पर प्रसन्न नहीं होती तब तक। अब एक दिन, एक साल, 2 साल, 12 साल, 15 साल, 12 साल का एक तप होता है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। फिर ये फ्रस्ट्रेट हो गए, क्या कर रहा हूं यार, मैं ही कहता हूं ये देवी, वो तो नहीं कह रही। फिर वापस आ गए, ये कौन है ये देवी, मैं ही चक्कर काट रहा हूं। तब उन्होंने कहा, अब मैं तुमको बताऊंगा। पहले क्यों नहीं बताया? पहले तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न नहीं आया था। देखो, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूं, ये प्रश्न जिसके मन में आते हैं उसकी कचरा काफी निकल गया है। वो कचरा निकालने के लिए कुरुते गंगा सागर गमनम, दान धर्म करो, नर्मदा की प्रदक्षिणा करो, और वो तो आवश्यक है। किसी के बहाने नर्मदा के किनारे पर जो रहते हैं उनको खाना पीना मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट, आध्यात्मिक एम्प्लॉयमेंट। देखो महाराज, और फिर उन्होंने जो उपदेश किया वो उपदेश है त्रिपुरा रहस्य। तो तपश्रद्धे ये उपवसंति अरण्ये, तो यहां जाकर के कैसे शांतहा विद्वांसहा, अब वो शांत है, विद्वान है। विद्वान कौन है? विद्वान वो है जो अपने हर एक अनुभव से सीखता है। वो जो व्यक्ति अपने अनुभव से नहीं सीख सकता उसको दूसरे क्या सिखाएंगे? वो तो आर्ग्यूमेंट करेगा, ये कैसे संभव है? बिल्कुल तुम ठीक, संभव नहीं है। फिर क्या करो? प्रदक्षिणा करो, गंगा जी की प्रदक्षिणा करो, इतना लंबा। हाँ, फिर क्या होगा? खत्म हो जाओगे तो मेरे झंझट खत्म। देखो महाराज, जो महात्मा लोग आपको जप करने को बताते हैं, तीर्थ यात्रा को कहते हैं ना, उसके पीछे मालूम ही का सीक्रेट है, बोलनी नहीं चाहिए, बोल देता हूं, वो अपने आप को बचाने के लिए फिर आएगा। ये उसको बता दिया, देखो बेटा ये जो मंत्र है ना, इसका जब तुम करो रोज 36 माला करनी है, और ऐसे इसके 1 करोड़ माला करने के बाद साक्षात तुम्हारे सामने भगवान रामचंद्र जी प्रकट हो जाएंगे। और जब, अब तुम तो विशेष हो ना, इसीलिए तुमको कलि संतरण उपनिषद में जो महामंत्र दिया है उसका मैं तुमको उपदेश करता हूँ। हर एक को नहीं करता मैं, तुम विशेष हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक हो गया। फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दो। ऐसे 108, एक माला, ऐसे 36 माला रोज करनी। अगले बार वो आएगा ही नहीं यार, अपने से नहीं होता। तो जो शांत है, भिक्षचर्याम चरंतहा, उनको फिकर नहीं क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, हो जाता है सब, संपूर्ण समर्पण प्रभु के प्रति। फिर सूर्य द्वारेण ते वृजा प्रयान्ति यत्रा अमृतहा स पुरुषो अव्ययात्मा, ऐसे जो साधक है वो तत्व में एक होने के लिए योग्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए क्या साधना करनी है? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात, यहां तक हम गए थे पिछले सत्संग में। परीक्ष लोकान, अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करके सीखता है उसको उस अनुभूति के संस्कार निर्माण नहीं होते। संस्कार केवल दो ही प्रकार के होते हैं, राग या द्वेष। और ये राग द्वेष के संस्कार यही हमारे अंतःकरण की गंदगी है। देखो, इसके लिए एक ही उपाय है,
अपने हर एक अनुभूति से सीखे। तो क्या सीखना है? हम किसी भी वस्तु के प्रति, ध्यान से सुनना, ये सबका है, मेरा अकेले का नहीं, सबका है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसके प्रति मनुष्य का मन 100% आकर्षित नहीं रह सकता, हमेशा आकर्षित नहीं रह सकता। देखो, और इसीलिए ये मन के गुलामी से छूटना यह अध्यात्म है। अभी क्या हो रहा है, हमको जो अच्छा लगता है उसके पीछे हम दौड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता उसे दूर दौड़ते हैं। कठोपनिषद की भाषा में हम प्रेय मार्ग से चलते हैं, श्रेय मार्ग से नहीं चलते। प्रेय मार्ग माने क्या? जो मार्ग राग द्वेष के द्वारा गाइड किया जाता है वो प्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग क्या है? जहाँ योग्य अयोग्य हमारे लिए हानिकारक या हानि रहित है ये समझ करके, समझदारी का जो मार्ग है वो है श्रेय मार्ग। तो परीक्षा लोकान, हम अपने जीवन की अनुभूतियों से ये सीखे कि जिन जिन वस्तु व्यक्तियों के प्रति हम इतना पागल होकर के दौड़ते थे, क्या उतने भी पागल अभी है? करना कुछ नहीं है, अपने ही जीवन की अनुभूति से सीखना है। और जिस व्यक्ति ने ये सीख लिया, वो किसी भी कारण से, किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इसके प्रति आसक्त नहीं होगा, रहेगा सबके साथ लेकिन सबसे मुक्त होगा। इसी को कहते हैं कि किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। आओ मत कहो माने दोस्त मत बनाओ, जाओ मत कहो माने दुश्मन मत बनाओ। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधु माँ कुरु यत्नम विग्रह संधो। परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणा निर्वेदम आयात। कर्मचितान लोकान, हमने जिस वस्तु के प्राप्ति के लिए इतनी प्रयत्न किए, इतने मेहनत करी, उसी वस्तु को देख करके देखो क्या आपकी दृष्टि उसके तरफ। एक बार हम यूएसए में थे किसी दक्षिणी फैमिली के साथ, अय्यर हो गए, शिव जी के भगत थे, तो उनके दरवाजे के पास ही घर के अंदर से वो जो नटराज की मूर्ति होती है बहुत बड़ी है, जैसे कोई एग्जीबिशन के लिए बहुत बड़ी मूर्ति दरवाजे के पास, और वहीं से लोग निकल जाते थे बाहर जाते थे। अब ये जब निकल जाते हैं ना, तो निकलते समय वहाँ वो विभूति रखी होती है और लगा करके ऐसा जाएंगे निकलते समय, ताकि लोगों को लगे कि नाके आए। नहाते हैं कि नहीं भगवान जाने। तो एक बार हम जब जा रहे थे तो वो डिब्बी नहीं थी जिसमें विभूति होती है, वो चिल्लाने लगे, वो कहाँ गए डिब्बी, मुझे विभूति लगानी है, वहीं तो रखी थी, पता नहीं बच्चों ने कहीं कर दी होगी। दोनों का वार्तालाप चल रहा था, हमने कहा आओ मेरे पास है। आपके पास है? हाँ, वहाँ जो शिव जी का ऐसा हाथ होता है ना एक, उस हाथ के ऊपर से मैंने इस उंगली को ऐसा घुमाया, इतनी विभूति आ गई। बोले स्वामी जी, हमने कहा ये कब खरीदी है? बोले स्वामी जी, हमने 25 साल के पहले खरीदी है, तब से आज तक कितनी विभूति इकट्ठी हो गई। उधर तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं। मनुष्य का मन किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता हमेशा के लिए। परीक्षा लोकान कर्मचितान, उस समय यदि कहते क्यों खामोखा इकट्ठा करते हो यार, कोई मतलब नहीं इसका, आपको तो टेस्ट ही नहीं है, यू टू हैव होम 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 करते रहो। आप देखो आपके घर में जितना सामान है उसमें से कितना सामान आपने 10 बार देखा है, पता ही नहीं होता। याद है जब हम लोग शादी के बाद गए थे हनीमून के लिए, तब वो शेल की एक डिजाइन का कुछ लाया, कहाँ है वो, कहाँ है, कब गए थे, क्या गए थे, भूल गए। ये सीखो महाराज, सीखो। इसीलिए कर्मलोक
कर्मचितान लोकान परीक्ष, तो क्या होगा? ब्राह्मणः निर्वेद माया, निर्वेद माने वैराग्य, ब्राह्मण माने ये एक क्रॉस बेल्ट वाला नहीं, ब्राह्मण माने समझदार। ये बड़ी कठिन बात है। हाँ जी कठिन है। तो यह जो समझदार व्यक्ति है उसके हृदय में जगत के प्रति वैराग्य होना यह स्वाभाविक है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। वैराग्य का अर्थ राग का विरोधी नहीं, राग का विरोधी द्वेष है, जो राग द्वेष के परे है उसको कहते वैराग्य। देखो ब्राह्मणः निर्वेद मायात, और क्यों निर्वेद होगा, क्यों वैराग्य होगा? न अस्ति अकृतः कृतेन, अकृत माने जो निर्मित नहीं है, निर्मित केवल परमात्मा नहीं है, बाकी सब निर्मित है। कृतेन निर्मितेन माने कुछ करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए मैंने आपको बताया स्पष्ट रूप से। क्रिया का क्षेत्र कहाँ होता है? कोई वस्तु दूर हो उसको प्राप्ति के लिए हमको चल के जाना पड़ता है, कोई वस्तु गंदी हो उसको धोना पड़ता है गंदगी निकालने के लिए, कोई वस्तु अपूर्ण हो उसमें कुछ मिलाना पड़ता है पूर्ण करने के लिए। क्या हमारा स्वरूप दूर है कि जहाँ चल के जाना है? क्या हमारा स्वरूप गंदा है कि उसको धोना है? क्या हमारा स्वरूप अपूर्ण है कि उसमें कुछ मिलाना है? न अस्ति अकृतः कृतेन, समझदारी से हम जगत में जो इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने आप धीरे धीरे विड्रॉ हो जाएंगे। विड्रॉ हो जाना माने ऐसे नहीं अब किसी में मन ही नहीं लगता मेरा क्या, और जब से रियलाइज हो गया उन्हें सबसे ऐसे हो रहा है। अरे यार देखो, फिर अपने मन की ये स्थिति जब देख ली कि पहले जिन चीजों में इतना इंटरेस्ट था आजकल इंटरेस्ट नहीं आता है, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, ऐसा तो नहीं कि मैं रियलाइज हो गया? तो फिर अपने रियलाइजेशन का इवैल्यूएशन करने के लिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत, फिर इस तत्व को पहचानने के लिए गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु महाराज के पास जावे। गुरुम एव, एव जो शब्द है महत्व का है, तद विज्ञानार्थम गुरुम एव, गुरु के ही पास जाए। और गच्छेत एव, तुमको पहुंचना है, वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। देखो तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत, फिर कैसे चले जाए गुरु के पास? समित पाणी ही, सूखी लकड़ी लेकर के, समित पाणी क्यों? उनकी चिता लगाने के लिए। सूखी लकड़ी का तात्पर्य है एकदम 100% वैराग्य, कुछ नहीं चाहिए हमको। जब तक के ये चाह है ना तभी तक संसार है। तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत, समित पाणी ही, वैराग्य से परिपूर्ण होकर के किस गुरु के पास जाए जो कमर का दर्द ठीक कर दे, जो दोनों आंखों के बीच में दबा करके चंद्रमा का दर्शन कर दे, जो सर के ऊपर हाथ रख करके शक्तिपात कर दे, किसके पास जाए? उपनिषद कहती है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन गुरु परंपरा से किया है, और ब्रह्मनिष्ठ जो केवल बोलते ही नहीं इस ज्ञान में जो निष्ठावान है। देखो ऐसे गुरु महाराज के पास चले जावे, और फिर उनके पास जाकर के उनकी सेवा करें। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, यह जो गुरु महाराज है आपको
उपदेश करेंगे। यहां तक हमने देखा, अब उपदेश करेंगे तो ये तो हो गया शिष्य के लिए, अब गुरु के लिए भी यहां ऑर्डर्स है। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाचतां तत्वतो ब्रह्म विद्यां। फिर तस्मै, ऐसा जो विद्यार्थी है जिसमें वैराग्य की प्रचुरता है और जो केवल तत्व के ही लिए आया है, जहां इच्छा पूर्ति यह धारण करके हम जाते हैं सत्संग में, तो हमने अभी सत्संग में जाना सीखा ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, खाना चाहिए। ये हो जाए वो हो जाए। देखो महाराज, तस्मै ऐसा जो साधक है, विद्वान उपसन्नाय, ऐसा जो विद्वान है, जो उपनिषद, इस शब्द का अर्थ भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कठोपनिषद के भाष्य में, उपनि युक्त सद धातु का किप प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसको उपनिषद कहते हैं। उप माने करीब, नी माने निश्चय। न ऐसे नहीं कि टाइम पास करने के लिए देखते यार क्या कहते उपनिषद में, हाँ उपनि। और शद धातु के तीन अर्थ है, एक है गति, एक है हिंसा, एक है अवसाधन। गति माने लक्ष्य, उपनिषद का वह ज्ञान है जो हमको अपने स्वरूप में निष्ठावान बना देता है। उपनिषद का वो ज्ञान है जो अज्ञान की हिंसा करता है, नष्ट कर देता है। उपनिषद वो है जिसके जीवन में उतरने के बाद जगत के बंधन ढीले हो जाते हैं, अवसादन हो जाते हैं। यह जो उपनिषद का ज्ञान है वो उसी को दिया जाता है, तस्मै स विद्वान उपसन्नाय, इस प्रकार से जो कमिटमेंट के साथ आता है। और कैसा है, सम्यक प्रशांत चित्ताय, प्रशांत चित्ताय, उसका मन शांत है, एक्साइटमेंट नहीं। एक्साइटमेंट दो प्रकार से होती है, दुख के निवृत्ति की और सुख के प्राप्ति की। जिसके जीवन में दोनों बातें हट गई है, उपसन्नाय प्रशांत चित्ताय शमान्विताय। देखो किसी भी कार्य में सफलता के लिए वित्त की आवश्यकता है, धन दौलत की आवश्यकता है। यदि कोई बिल्डिंग बनानी हो तो पैसा चाहिए, स्टार्टअप करना हो तो पैसा चाहिए। तो अध्यात्म के लिए क्या पैसा है, तो कहते हैं शमादि षट्क संपत्ति, शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, छह बातें। शमान्विताय, तो शम ये ओरिजिनल शब्द शम है, कर्नाटक में और दक्षिण भारत में आ लगाने का प्रकार है शमा। देखो शम का शमा बन गई। तो शम माने हमारा मन समझदारी से विषय से उपरत होकर के अपने लक्ष्य में अपने आप को लगा सके, उस मन की क्षमता को शम कहते। तो विरज्य विषय व्रातात दोष दृष्ट्या मुमुर्मुहु स्वलक्षे नियतावस्था मनसहा शम उच्चते। अब हमारा मन जब हम चाहे तब उपलब्ध है, कितनी बढ़िया बात है। पढ़ने के लिए बैठो तो पूरा मन उपलब्ध है, खाने के लिए बैठो तो पूरा मन उपलब्ध है। और अपना मंत्र लिविंग एट 100% लेवल, जब हम 100% जीते हैं ना हर क्षण,
तब हमारा मन हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। तो शम, फिर दम। दम है जिसके जीवन में इंद्रियों की गुलामी खत्म हो गई है। इंद्रियों की गुलामी में एक ही इंद्रियों को पकड़ लो आप तो बहुत सारा आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप पर कृपा हो गई। एक इंद्रिय वो है अपनी जिह्वा, अंग्रेजी में जिसको टंग कहते हैं, संस्कृत में उसको जिह्वा कहते हैं और रसना कहते हैं, क्योंकि जिह्वा के दो फंक्शन है, बोलने के लिए जिह्वा होती है और चखने के लिए रसना होती है। तो बोलना ये कर्मेंद्रिय हो गया, चखना ये ज्ञानेंद्रिय हो गया, तो हमारे जिह्वा 2-in-1 है। इस एक पर कंट्रोल रखो आप, खाने पर। इतना खाओ कि भूख बनी रहे, भूख मिटाने के लिए कभी मत खाना, पेट में भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए। जैसे अग्नि कुंड में जब हम आहुति डालते हैं तो इतनी डालो कि अग्नि जलती रहे, ऐसे नहीं उसमें इतनी आहुति डाल दी कि अग्नि को ही दबा दिया। लो हमेशा इसका ध्यान रखना, अपने यहां उल्टा होता है, और लो बिल्कुल नहीं। तो ये हो गई रसना की बात। और दूसरी महत्व की बात, अपने आप को कम से कम चॉइस दे खाने का, मिलता है तो खा लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। किसी को लेकर दुखी मत होना, डोंट जस्टिफाई फॉर फूड। हम कई बार जाते हैं ना ये चाइना जापान इत्यादि जगह में, तो जो पेटू होते हैं उनका एक ही प्रश्न होता है, ये वो नहीं पूछेंगे कि वहाँ सत्संग में आप क्या बताते हैं, हमें आप जब जाते हैं चाइना वहाँ क्या खाते हैं, अरे राम मैं खाने के लिए जाता हूँ क्या। वहाँ पुलाव में जीरा नहीं डालते, मच्छर डालते हैं। अच्छा, बड़ा टेस्ट लगता है। और कॉकरोच का अचार होता है, इतना टेस्टी होता है, खाने के सिवा दूसरा कुछ है कि नहीं दुनिया में। देखो एक आसामी सज्जन थे, बहुत पुरानी बात है, पहली बार निकले वो आसाम से और हम जा रहे थे जयपुर, वहाँ से आए कलकत्ता और कलकत्ता से ट्रेन लेकर के जयपुर जाना था। और जैसे हम कलकत्ता पहुँच गए और फिर उनको याद आया उनके तांबूल और सुपारी इसका थैला घर में रह गया, उन्होंने जयपुर आना कैंसिल कर दिया। बोले तांबूल के सिवा रह नहीं सकते। तो अपने रसना की गुलामी का त्याग कर दे, और वाणी के लिए अपना महामंत्र है, देखो सुनो मत बोलो, ये सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना है। कोई आवश्यकता नहीं हर जगह अपना मुंह मारने का। कई लोगों की आदत होती है, आपने देखा होगा, दो समझो पति पत्नी है, बोल रहे एक दूसरे से जो कुछ भी बोले, अपने को क्या करना है, ये बुढ़ाओ घर का, बेटा क्या चल रहा है, हमारा प्यार चल रहा है, आओ। ये लोगों को कब समझ में आएगा। कैसे समझाए बुढ़ाओं को, दखल मत लेना किसी के जीवन में, आपने अपना जीवन बर्बाद कर लिया ना, अब उनको उनका करने दो, मैं हमको मदद करना। देखो अनावश्यक बोलना किसी के भी जीवन में। और ये जो होते ना आपके पोते खोते, हमारे पंजाबी में खोता गधे को कहते, तो ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते उसमें मत फंसो। ये हमारी ही कल्पना होती है कि मेरा पोता मेरे सिवा नहीं रह सकता, उल्टा होता है।
एक जगह की बात आपको बताता हूं। वो जो सज्जन थे वो हमेशा अपने पोते को बस उसको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना वही करते थे। और उनका कहना था उसके उसके माँ को कुछ नहीं आता, वो ऐसी है, वो मैं करता हूँ मैं करता हूँ। धीरे 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 वो बच्चा बड़ा हो रहा। और फिर ये माँ ने एक दिन बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया, या तो ये रहेंगे घर में या तो मैं रहूंगी, सीधा बोल दिया। अब ये पतिता पावन सीताराम क्या करेगा देखो। और फिर उन्होंने कह दिया अपने पिताजी को, पिताजी आप अलग जाके रहिए, आपके कारण घर में रोज खटखट होती है, क्यों उस बच्चे के पीछे इतना पड़े, उसको उस माँ को उसका प्यार करने दो ना, तुम कौन होते हो, बूढ़ा हो बीच में मानेंगे नहीं, ऐसा कि गुस्सा आकर निकल गए। जाने के बाद डिप्रेशन में चले गए, इतने भयानक डिप्रेशन में हॉस्पिटल एडमिशन करना सब करना पड़ा। कारण क्या? अनावश्यक इन्वॉल्वमेंट। इसीलिए ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, शम दम फिर उपराम या उपरति। उपरति उप माने करीब, रति माने रेवेलिंग, बी हैप्पी विद योर सेल्फ, डोंट सीक हैप्पीनेस। देखो हम भोग करके क्रीड़ा करके आनंद को प्राप्त करने का प्रयत्न करते, आनंद में रहो। आनंद में रहना माने किसी पर भी कोई भी परावलंबन नहीं, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। परावलंबन नहीं होना चाहिए। देखो क्षमा दम उपरति, फिर तितिक्षा, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। जीवन में आने वाले जितने कष्ट इत्यादि है सह लो। कैसे? जैसे इस समय आप मुझे सह रहे हो, खत्म होता ही नहीं लेकिन सह लो। सहने के जगह एंजॉय करो ना, इंस्टेड ऑफ एंड्योरेंस लर्न टू एंजॉय। देखो चिंता विलाप रहितम, नो कंप्लेंट्स, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। फिर श्रद्धा, श्रद्धा चार जगह में होती होनी चाहिए। एक तो ईश्वर पर श्रद्धा हो। वो श्रद्धा कैसी होती है? जो थारी राय सो मारी राय। हमारा बुरा भगवान कभी नहीं करते, जैसे सूर्य कभी भी अंधकार नहीं दे सकता, भगवान किसी का बुरा नहीं करते। देखो जितना हम अपना बुरा करते उतना कोई नहीं बुरा करता। देखो तो पहली श्रद्धा ईश्वर के अनुग्रह पर, दूसरी श्रद्धा शास्त्रों पर, हमारे शास्त्र जो बताते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलब्धते। शास्त्रों में जो कहा है और गुरुजनों ने जो बताया है वो किस प्रकार से सत्य है, ऐसी जो विधेयात्मक विचार करने की प्रक्रिया है उसको कहते श्रद्धा। और इसी के द्वारा यया वस्तु उपलब्धते, इसी के द्वारा परमात्मा हमारे पकड़ में आता है। और ये जब दूसरी एक हो गई ईश्वर की, दूसरी शास्त्र की श्रद्धा, तीसरी जिनसे हम सीखते हैं पढ़ते हैं उनके प्रति श्रद्धा से ही हम सीख सकते हैं। यदि किसी के प्रति हमारे मन में आदर प्रेम का भाव ना हो तो हम उसे सीख नहीं सकते। यह आवश्यक है। तीन बात हो गई। चौथी श्रद्धा अपने पर, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, पॉसिबल है। नहीं, ये बड़ा डिफिकल्ट है, फिर भाड़ में जाओ वो और ज्यादा डिफिकल्ट है। देखो महाराज
इसीलिए श्रद्धा, ये पांच बातें जब हो जाएगी, शम दम उपरति तितिक्षा और श्रद्धा, तो पांचों का प्रभाव जो होगा उसको कहते हैं समाधान। समाधान माने डटके खा लिया, अब समाधान, वो समाधान नहीं है। समाधान माने आपका मन हमेशा शांत प्रसन्न रहता है किसी भी हालत में, मन के संतुलन में कभी गड़बड़ी नहीं होती। ऐसा जो समाधान युक्त मन है वही आत्मचिंतन का अधिकारी होता है। इसीलिए प्रशांत चित्ताय शमान्विताय येन अक्षरम पुरुषम वेद, देखो इसके ही द्वारा अक्षर पुरुष को पहचाना जा सकता है। वेद सत्यम, तो यह जो सत्य तत्व है, जो अपना स्वरूप है, प्रोवाच, उसको उस विद्यार्थी को फिर गुरु महाराज उपदेश करे। तत्वतः ताम तत्वतः ब्रह्म विद्या, तो यह जो ब्रह्म विद्या का उपदेश है ऐसे ही साधक को प्रोवाच, प्रकर्षेण उवाच, देखो माने स्पष्टता से धीरे धीरे एक एक शब्द का अर्थ सुनने वाले के हृदय में उतरना चाहिए। हमारे अखंडानंद जी महाराज कहते थे, दो प्रकार के प्रवचनकार होते हैं। एक वो होते हैं कि जिनका प्रवचन सुनने के बाद मन में ये भाव आता है, अरे बाप रे, ये बड़ा कठिन है, ये अपने बस की बात नहीं। और दूसरे ऐसे होते हैं सुनने के बाद, अरे ये इतना आसान है, और लग जाते हैं। प्रोमाच का अर्थ वो है। इस प्रकार से बतावे कि वो विद्यार्थी इसमें प्रवेश करने के लिए उत्सुक हो। इसके साथ यह प्रथम मुंडक पूरा हुआ, अब द्वितीय मुंडक में विषय आता है। अब देखो यहां तक दो बातें हो गई, एक कर्म कांड इत्यादि, और दूसरी बात व्यक्ति ने अपने आप को दुनिया से हटा करके गुरु महाराज के पास गया और आत्मचिंतन में लग गया। ये दोनों आवश्यक है। कर्मकांड इत्यादि करने से व्यक्ति के जीवन से आलस्य निद्रा प्रमाद निकल जाता है। कई बार हम आलस्य को मेडिटेशन कहते। एक सज्जन ने मुझे कहा था, स्वामी जी मैं ये पढ़ा रहता हूँ, मुझे लगता है मेडिटेशन करने के लिए बैठने की क्या जरूरत है। हमने कहा मालूम है क्या, तुम्हारी कुंडली निकल जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, नीचे जाएगी। देखो इसीलिए जो जीवन में कर्म करने हैं, जब तक तो के देहात्म भाव से जीते हैं, रिटायर कभी मत होना, पुर्जे हमेशा चलते रहने चाहिए। नहीं तो एक जगह बैठ गए गणपति बापा मोरिया, नहीं ऐसे बात नहीं, बिजी रखो अपने आप को। और इसके लिए जो कर्म में आती है बातें, इससे हमको सीखना क्या है। पहली बात, कार्य कारण को सत्य के रूप में स्वीकार करना। ऐसे हम यदि ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, ज्यादा खाना ये हो गया कारण और वेट बढ़ना ये हो गया कार्य, लेकिन इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो भगवान की देन है। अरे राम, भगवान की देन नहीं है। देखो तो जब तक हम ये कार्य कारण में समझेंगे नहीं, तब तक के हम दूसरे को बदनाम करते रहेंगे। तो हमारे जीवन के जितने दुख है, इसके लिए कोई अन्य जवाबदार नहीं है। हमारे जीवन के हर एक सुख दुख के हम 100% जिम्मेदार हैं और कोई नहीं, समझ लो ठीक से। लेकिन हमारे जीवन में इतने दुख आ रहे, उनके कारण पिछले जन्म में तुमने उनको परेशान किया था, फिर उन्होंने करवा चौथ करी थी, अब इस जन्म में बदला निकालेंगे। मुझे तो याद नहीं, नेवर माइंड, ऐसे ही होता है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, हमने अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार किया है। ये बहुत बड़ी छलांग होती है अध्यात्म में। जब तक के हम
अपने को देह मान के चलेंगे तब तक यही दुनिया सत्य है। कठोपनिषद में भी विषय आता है, न सांपराय प्रतिभाति बालम, जो बच्चे की विचार वाले हैं उनके लिए बस यही सब कुछ है, इसके बाद कुछ नहीं है। नहीं, पाप करो तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। अब इसका प्रयोजन क्या है? देखो, शास्त्रों में एक शब्द आता है जिसको कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, तात्पर्य निर्णय क्या है। जब कोई चीज बताई जाती है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो शास्त्रों में जब बताते हैं कि पाप करने से स्वर्ग नरक जाओगे, पुण्य करने से, तो इसका तात्पर्य क्या है? शरीर तो यही गिर जाएगा, शरीर ही जो है ये स्वर्ग नरक में जाएगा। तो पहली स्टेप अध्यात्म में अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। यदि देह खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, तो उसके लिए कोई पाप पुण्य का चक्कर नहीं है। वो दुनिया से पैसे उधार ले लो, मौज करो और मर जाओ, कुछ नहीं होगा। यदि ये सिद्धांत तो होगा तो सत्कर्म और दुष्कर्म इसका कोई भी स्थान नहीं रहेगा दुनिया में। फिर ये स्वीकार कर लिया कि हम देह नहीं है, देही है, और ये सभी के सभी धर्मों में है। चाहे क्रिश्चियनिटी ले लो, मुसलमान ले लो, वो क्या कहते हैं कि जब वो उनका कयामत का दिन आएगा तब उसमें से निकल करके वहां इनका हिसाब होगा, माने वो मरेंगे नहीं। एक लड़का अपने पिताजी को पूछ रहा था क्रिश्चियन सिमेटरी में कि ये लोग इतना भारी भारी क्यों बना के रखते हैं, उनके शव को दबाने के बाद इतना भारी क्यों रख देते हैं। इसलिए रख देते हैं कि जब वो दिन आएगा ना तो इसको हटाने में टाइम लगेगा, तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। आखिरी मुसलमान, आखिरी क्रिश्चियन कभी मरेगा नहीं और वो वही पड़े रहेंगे, क्योंकि जब तक मैच पूरी नहीं होती तब तक रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते, और आखिरी मुसलमान कभी मरेंगे नहीं। अरे मरो सब यार। देखो संतो, तात्पर्य देह से अन्य देही है, ये सबको स्वीकृत है। इसके प्रति प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि सत्कर्म करने से आपका भला होगा, दुष्कर्म करने से बुरा होगा। यहीं तक आकर के अज्ञानी लोग रुक जाते हैं। वेदांत में इसका विश्लेषण होता है, ये जो देही है ये कौन है। देखो ब्रह्म क्या है उसके बारे में बताते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यो वेद निहितम गुहायाम, परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिते। तो परमात्मा ब्रह्म क्या है इसका तो विस्तार से वर्णन आता है। अब ये जीव क्या है? जीव जीव है। जीव का विश्लेषण वेदांत में ही किया है और कहीं नहीं किया है। देखो जीवो ब्रह्मैव न परः, पति पुरुषैव न परः, जो पुरुष है वही पति होता है। कैसे पति बनता है? वो पुरुष का प्रतिबिंब जब पत्नी रूप दर्पण में पड़ता है तो प्रतिबिंब, दर्पण और पुरुष, इन तीनों को मिला करके पति बनता है। ये तीनों में सत्य क्या है? देखो यदि पुरुष नहीं होगा तो पति हो ही नहीं सकता, यदि पत्नी नहीं होगी तो भी पति नहीं हो सकता। क्यों? कि पत्नी का दर्पण नहीं है तो पुरुष का प्रतिबिंब किसमें पड़ेगा? तीनों में प्रतिबिंब सत्य है कि दर्पण सत्य है कि पुरुष सत्य है। इसी प्रकार से
परमात्मा का प्रकृति में जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब और प्रकृति का दर्पण और परमात्मा, इन तीनों को मिला करके जो होता है उसको जीव कहते हैं। तो पति हो गया जीव और पुरुष हो गया परमात्मा ब्रह्म। दुखी कौन होता है? पुरुष कभी दुखी नहीं होता और पत्नी और पति कभी सुखी नहीं होता। देखो, और ये जितने रिश्ते नाते हैं ना दुखी होने वाले, इनकी कहीं सत्ता नहीं है। कहीं ध्यान देना, जो दुखी होता है क्या वो वास्तविक है? जब डाइवोर्स हो जाता है तो पति और पत्नी कहाँ गए? ही इज माई एक्स हस्बैंड, शी इज माई एक्स वाइफ, बट ही इज माई सेकेंड एक्स हस्बैंड और शी इज माई थर्ड एक्स वाइफ। कौन मरा? मरेगा तब ना जब हो। दुखी कौन हो रहा था? जो नहीं है वो दुखी हो रहा था। तो क्या करे? कर्नाटक जीवन के सभी समस्याओं का समाधान इस सिंपल शब्द में है, कर्नाटक। नाटक करना माने दिखावा कि हम सचमुच प्रेम करते हैं, जरूरत नहीं प्रेम करने की, जैसे अभी आप दिखा रहे, सचमुच सुन रहे तो जरूरत नहीं सुनने की। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है और फिर ऐसा जिसके व्यक्ति के अंतकरण में प्रकट हो गया कि ये जीव जीव क्या है। देखो, अनेक जो संप्रदाय है, जैसे एक संप्रदाय में कहती जीव माने क्या, अपना बाल जो होता है केश, उसका जो टिप ले लो, उसको यदि वर्टिकली 1000 उसको काटो, कितना बारीक होगा वो, उसमें से एक लेकर के उसको फिर 1000 बार काटो वर्टिकली, तो कितना बारीक होगा? इतना बारीक जीव होता है। दूसरे कहते हैं नहीं, जीव शरीर के आकार का होता है। क्या अनेक सिद्धांत आते हैं। तो यदि कोई जीव हाथी है, हाथी का आकार, और उसने गुस्से गुस्से में एक मच्छर को मार दिया था, मच्छर के प्रति गुस्सा था, इसलिए आखिरी संस्कार मच्छर का था। अब ये हाथी वाला जीव मच्छर में कैसा घुसेगा? और मच्छर का जीव हाथी में जाएगा तो घूमता रहेगा कहाँ? देखो संतो, हमारे उपनिषद में इस जीव के बारे में जैसा विश्लेषण और विचार प्रस्तुत किया और कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो पहले शुरू कर देते हैं, पहला मंत्र है द्वितीय खंड का, द्वितीय मुंडक का पहला खंड, इसको मुंडक कहते हैं। पहली बार जब हमने महाराष्ट्र में ही कहे तो भी फलटन में, हाँ फलटन में इस पर सत्संग किया था। शाम को भगवद गीता, सुबह में स्वामी जी हमको कुछ उपनिषद सुनाइए, हमने सुने नहीं, ठीक है ऐसा कहते मुंडक उपनिषद सुनाएंगे। उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, स्वामी जी है ना इतने संध्या गीता है, सकाई सकाई आप लोग मुंडक। अरे यार मैं इतना पागल हो गया, फलटन के लोग उनकी बोलने की स्टोरी ऐसी कहा मुंडक उपनिषद मुंडक। तो ये मुंडक उपनिषद में पहले ये बताते हैं कि भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः, मम एव अंश, मेरा ही एक अंश
इस जीव लोक में जीव भूता वो जीव बन जाता है। माने आदमी कहता है मेरा ही एक अंश इस पिता के साथ रहता हूं तब पुत्र बन जाता है, मेरा एक अंश जब पत्नी के साथ रहता हूं तो पति बन जाता है, मेरा एक अंश जब मैं पुत्र के साथ रहता हूं तब पिता बन जाता है। तो क्या इस एक आदमी के तीन टुकड़े हो गए? हो जाते तो ठीक रहता। देखो संतो, इसीलिए ये जीव के प्रसंगों को समझने के लिए पहले स्टार्ट करते हैं इस पहले मंत्र से। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपा तथाक्षराद् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति। तदेतत् सत्यम्, यह परमात्मा ब्रह्म ये सत्य है। इसी एक सत्य से, तदेतत् सत्यम्, इसी एक सत्य से जिस प्रकार यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्त्रशः प्रभवन्ते सरूपाः, अग्नि जब प्रज्वलित हो जाता है तो उसमें से हजारों कितने विस्फुलिंग निकलते हैं, वो कैसे होते हैं? सरूपा, वो अग्नि के जैसे ही होते हैं, वो भी ब्राइट होगी, उनमें भी गर्मी होगी, सब कुछ होगा। तथा इसी प्रकार से अक्षराद विविधा भावाः, हे सौम्य, हे विद्यार्थी, इसीलिए एक ही अक्षर तत्व से ये अनेकता प्रकट हो रही है। तो ये कैसे प्रकट होगे? ये अक्षर जैसे अग्नि से निकलने वाले विस्फुलिंग अग्नि के ही समान होते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा से उपलब्ध प्रकट जो है वो परमात्मा स्वरूप ही है। पापो हम पाप कर्मा हम नहीं है, हम परमात्मा स्वरूप है, पहले इसको स्वीकार करना। नहीं तो दिमाग में भर देते हैं कि तुमने पिछले जन्म में पाप किया था इसलिए इसके साथ शादी हो गई। तो अपने को एक बार तुच्छ मानना शुरू करो तो कभी अपना भला नहीं होगा। जिस प्रकार से सबका आदर करना चाहिए उसी प्रकार से अपने प्रति भी आदर बुद्धि हो, अहंकार बुद्धि नहीं, आदर बुद्धि। आदर बुद्धि माने अपने को कोसना मत, मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट हूँ, मैं बड़ा क्रोधी हूँ, नहीं, निकल जाओ इसमें से, आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। जबरदस्ती? हाँ जी। तथा अक्षराद विविधा भावाः, हे सौम्य, हे साधक, हे विद्यार्थी, सौम्य भावाः प्रजायन्ते, उसी से प्रकट होते हैं और तत्र एव अपियन्ति, वही फिर वापस चले जाते हैं। आप इसको ऐसे समझो, अग्नि जब प्रज्वलित हो गया तो उसको कोई उपाधि चाहिए प्रज्वलित होने के लिए। जैसे ये लकड़ी का टेबल है, इसमें भी अग्नि है क्योंकि अग्नि रूप की तन्मात्रा है, और जब तक के इस टेबल को लकड़ी को नहीं जलाएंगे तब तक के अग्नि प्रकट नहीं होगा। तो अव्यक्त रूप से अग्नि ठंडा है, व्यक्त रूप से गर्म है। तो जब उसने अपने उपाधि के कारण अपने इस दाहिका शक्ति को प्रकट किया तो उपाधि युक्त अग्नि को विस्फुलंग कहते हैं, उपाधि युक्त आदमी को पति कहते हैं। तो आदमी की उपाधि क्या हो गई? पत्नी। तो पत्नी के उपाधि के कारण आदमी को पति कहते हैं। इसी प्रकार से अक्षर परमात्मा यह भी उपाधि के कारण इसको जीव कहा जाता है, ये तात्पर्य है। तथा अक्षरा विविधा सौम्य भावा, तो फिर कोई भी उपाधि हो,
मनुष्य की हो या गधे की हो या घोड़े की हो या पशु पक्षी की हो या पेड़ पौधे की हो या ईंट पत्थरों की हो, सभी उपाधियों को धारण करने वाला एक तत्व है और उपाधि भेद से उसकी अभिव्यक्तियां भिन्न है। जिस उपाधि में केवल सत्ता प्रकट हो सकती है उसको जड़ विश्व कहते हैं, और जिस उपाधि में सत्ता के साथ साथ चेतना प्रकट हो सकती है उसको चेतन विश्व कहते हैं। इसीलिए जड़ चेतन यह औपाधिक भिन्नता है, इन दोनों का आधार एक ही सत्ता है, यह निरुपाधिक सत्ता ही अपना स्वरूप है, इसको बताने के लिए ये सब चल रहा है। तथा अक्षरा द्विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। तो जब डाइवोर्स हो गया तो सवाल ये है पत्नी कहाँ, पति कहाँ गया। मैं वही देख रहा हूँ यार, जब से डाइवोर्स हो गया वो कहाँ गया पति, पहले हमेशा दुखी रहता था, आजकल दिखता भी नहीं, कहाँ गया वो। देखो जहाँ से निकला था वही गया, कहाँ से निकला था पति, आदमी से निकला था। दर्पण के सामने आप खड़े हो, आपका उसमें प्रतिबिंब है, आपने दर्पण को हटा दिया, तो प्रतिबिंब यदि दर्पण में सच होता तो दर्पण के साथ निकल जाता, लेकिन था ना, था, फिर कहाँ गया, कहाँ से निकला था, आपसे निकला था, दर्पण हटाया फिर प्रतिबिंब आप में वापस चला गया। परमात्मा का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ने के बाद जिसको चिदाभास कहते हैं, तो जीव की उत्पत्ति हो गई, और यह जो जीव है ये जागृत स्वप्न में रहता रहेगा, सुषुप्ति में ये जो विज्ञानमय कोश है ये अब उल्टा हो गया। देखो विज्ञानमय कोश जब बहिर्मुखी होता है तब ये बन गया जीव सुखी दुखी, जागृत और स्वप्न में, सुषुप्ति में विज्ञानमय कोश अब अंतर्मुखी हो गया। तो पहले इस विज्ञानमय कोश के दर्पण में दुनिया दिखती थी और द्वैत को सत्य मान के हम चल रहे थे, जहां ये विज्ञानमय कोश अंतर्मुखी हो गया कहां, सुषुप्ति अवस्था में, तो उसमें अन्य है ही नहीं देखने के लिए, तो किसका प्रतिबिंब था, चिदाभास, जो चैतन्य का प्रतिबिंब था, तो ये जो चिदाभास है ये फिर अपने आप वापस चला गया। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में मैं नहीं होता, केवल परमात्मा होता है, और इसीलिए हर एक व्यक्ति सोने के लिए इतना तरसता है, क्योंकि हम वापस जाना चाहते हैं। देखो महाराज, तो जहां से निकले वही वापस चले गए, ये चला चली का खेला, इसको जब समझ लो फिर उसके बाद समझ में आता है कि साधना करनी माने क्या। तो फिर अभी हम जीव है, सुखी दुखी है, यदि हम परमात्मा स्वरूप है माने यदि हम अंतर्मुखी हो गए तो यह अक्षर तत्व क्या होगा, अब इसकी जो विचारधारा है ये दूसरे मंत्र में बता दे, बहुत सुंदर मंत्र है। दिव्यो यमूर्त पुरुषः सभायाभ्यंतरो यजः अप्राणो यमना शुभ्रः यक्षरात् परतः परः। तो यह जो तत्व है, हमारा स्वरूप है, दिव्य है, अमूर्त है, पुरुष है, सभायाभ्यंतर अंदर बाहर दोनों है, अजह अजन्मा है, अप्राण इसमें कोई प्राण माने क्रिया नहीं है, अमना इसमें कोई ज्ञान नहीं है, शुभ्रहा इसमें कोई गंदगी नहीं है, अक्षरात् परतः परः
यह अक्षर से भी परे है। दो अक्षर है, एक अक्षर वो है जो प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं। जैसे दर्पण को आप नष्ट, दर्पण में जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब को आप नष्ट नहीं कर सकते। पानी में प्रतिबिंब है तो उस पानी के प्रतिबिंब को निकाल करके बाहर उसको जला नहीं सकते, उसको नष्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? कि वो प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। तो किसको नष्ट नहीं कर सकते? प्रतीति को नष्ट नहीं कर सकते और सत्य को नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अक्षरात् परतः परः, जीव का भी नाश नहीं होता, पति का भी नाश नहीं होता, क्योंकि पति नाम की कोई वस्तु नहीं है। पति यह एक कल्पना मात्र है। उपनिषद में आता है, तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। सुषुप्ति अवस्था में हम जितने भी रिश्ते नाते सब गायब हो जाते हैं। कहाँ गायब हो जाते? गायब तब हो गए ना जब हो तब है ही नहीं ना। देखो इंद्रधनुष कहाँ गायब हो जाता है? हो तब गायब होगा ना, वो दिखता है, होता नहीं। इसीलिए अक्षरात् परतः परः। और इसके बाकी के जो सूक्ष्म विषय है उसको हम अगले सत्संग में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।